शाओची और फांगलिंग के अलग होने के बाद शाओची चेयरमैन से मिलने गई थी और ब्रेकअप के लिए काफी पैसा मिला। ऐसा नहीं हो सकता, शाओची बिल्कुल भी अमीर नहीं है। मिस्टर फांग, आ जाओ। उस आखिरी परफ्यूम के बारे में फिर से मुझे डिटेल में बताओ। फिर से इसे बताना पड़ेगा। लगता है इसे कुछ याद आ रहा है। कहीं ये मेरी खिंचाई तो नहीं करने वाला। ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया मीटिंग में। याद आया मुझे, वो एक मैंने रिपोर्ट लिखी हुई थी, वो लेकर आती हूँ मैं अभी। उसकी जरूरत नहीं। अगर प्रेजेंटेशन भूल गई हो तो मैं हेल्प करता हूँ। तुमने कहा तुम्हारे किसी बहुत खास को वो परफ्यूम बहुत पसंद आया था। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, फिर क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे इस खास का टेस्ट मेरे टेस्ट से काफी मिलता जुलता है। उसे कभी यहाँ ऑफिस में बुलाओ, मैं उसे हायर करना चाहूंगा। वो उसकी क्या जरूरत है यहाँ पर? तुम एक चीज में उससे थोड़ा सा अलग हो, वो चीज है रिश्तों को समझना। कभी कभी अफेक्शन हमारे काम को खराब करता है, पर तुम्हारा काम तो बहुत ही बड़ा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। ठीक है, तो अफेक्शन पसंद है उसे, तो तुम पसंद करती हो उसे? हाँ, कोई मिलने आया है? हाँ, मिस्टर फांग, मेरी रिपोर्टिंग अब पूरी हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। यहीं रुको, मिस जियांग, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? हाँ, तो काम के बारे में बात करते हैं, चेयरमैन के बारे में। देखिए, डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर पर ही बात कर लेंगे। शाओची, तुम भी साथ में चलो ना। मुझे नहीं लगता, आप लोग जाइए, फांगली को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसे बिना बताए चली गई तो अब फांगली बॉस हो गया। फांगली को मेरे केबिन में भेजो। भाई, आपने मुझे बुलाया? आप यहाँ? हम डिनर पर जा रहे थे, तो मैंने शाओची को भी पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों नहीं, जैसा ठीक लगे। थैंक यू वेरी मच फांगली, लो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई खास चीज खाने जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूं क्या? तुम्हारे पास काम नहीं है, करते क्या हो तुम यहाँ? भाई की गर्लफ्रेंड ने डिनर के लिए मुझे क्यों नहीं इन्वाइट किया, यही सोच रहा। बहुत हो गया फांगली। ठीक है, चुप हो जाता, चलते हैं, भूख भी लग रही है ना? चलो। हाँ, अच्छा, जांगशु ने क्यों बुलाया है? मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया था और तुम यहाँ मुझे इनके साथ डिनर पे ले आए। चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ, जियांगशु कुछ नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो ना कि मैं फांगलिंग को देखना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम वाकई अपनी फीलिंग से बाहर निकलना चाहती हो तो उन लोगों की नजदीकियों को ध्यान से देखो ना, जहर ही जहर को काटता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। बैठो। तुम्हें यहाँ की ब्लैक टी ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू। काफी गर्मी है शाओची, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे रहने दो। आराम से। काफी समय तक मुझे तकलीफ होती रही, पर अब शाओची और फांगली को साथ देखकर मुझे सब समझ आ गया है। क्या ढूंढना बताएंगी आप? अब शाओची का स्टेटस देखकर मुझे लगता नहीं कि उसे काम करने की जरूरत है। लगता है शाओची इस कंपनी में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आती है। हाँ, शाओची का फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब शाओची बहुत अमीर है। बस करो, सब ऑर्डर करते हैं।
तुम्हें पता नहीं था क्या? शाओची और फांगलिंग के अलग होने के बाद शाओची चेयरमैन से मिलने गई थी और ब्रेकअप के लिए काफी पैसा मिला। ऐसा नहीं हो सकता, शाओची बिल्कुल भी अमीर नहीं है। इसमें कुछ गलत नहीं है, शाओची स्मार्ट है, उसे पैसा बनाना आता है। देखो अभी बड़े भाई से ब्रेकअप हुआ और छोटे भाई को पकड़ लिया, हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता। बस करो। हाँ, मैंने चेयरमैन से पैसे लिए थे। फांगली और मेरे बारे में आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। और अगर आपने यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया तो आई एम सॉरी, फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। एंजॉय योर डिनर, मैं जा रही हूँ। शाओची, मैं भी आ रहा हूँ। शाओची, रुको तो जरा। जाओ शाओची। शाओची रुको तो सही। मैं तो झूठी हूँ, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं बाहर आ गया तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। बचपन से लेके अब तक इकलौता मैं उनसे पैसे निकलवाता आ रहा हूँ। हैरान हूँ कि तुमने कैसे किया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मेरा प्यार सिर्फ पैसों के लिए है? हो ही नहीं सकता। अगर वाकई तुम ऐसी लड़की हो तो मुझे भी अमीर बनना ही पड़ेगा ताकि तुम मेरी पूजा कर सको। कितने अच्छे हो। सच तो है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती थी कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की। मुझे मत समझाओ, जियांगशु को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये तुम भी जानती हो। तुम सच में जानते हो उसके बारे में? वो और भाई दोनों एक जैसे ही हैं, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। बेहतर होगा अगर तुम और मैं इन सब चीजों से बाहर ही रहें और अपनी लाइफ पे ध्यान दें। हाँ चलो। ओके, मैं अपने आप पर कंट्रोल करूंगी। शाओची एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा उस जिंदगी बदल सकती हो? अब तुम अमीर हो, कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी कर सकती हूँ? चीजें खरीदो अपने लिए, मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलना कल। बैग्स खरीदो अपने लिए। बैग्स? आखिर क्या मिला तुम्हें शाओची को परेशान करके? मैं बस तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। क्या समझती है वो तुम्हें, एक लॉटरी टिकट? वो सब उसके और मेरे बीच में है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए मुझे इससे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड? कब बंद करोगी ये गेम तुम? मैंने सोचा तुमसे अच्छे से पेश आऊं, पर आज जो तुमने किया उसके बाद नहीं हो पाएगा। ये शाओची की वजह से है ना? उसका नाम इन सब में मत लाओ तुम, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। बाद में मिलते हैं। ऐसे मत जाओ फांगलिंग, ना जाने कितने सालों बाद तुम अब मुझे मिले हो, क्या तुम अब भी मुझे छोड़ दोगे? अपना फायदा निकालने का तुम एक मौका नहीं छोड़ती, और यहां भी तुम वही कर रही हो मेरे साथ। तुम्हारी खुशी जिस भी चीज में है वो मैं नहीं हूं।